सो हे व्हाट्सअप गाइस, आई होप गाइस सब अच्छे होंगे। तो फाइनली BGMI में क्लासिक क्रेट आ चुकी है। अब देखते हैं उसके अंदर क्या क्या आया हुआ है। तो फर्स्टली यहां पर ओपन करने से पहले हम देखते हैं हमारा कुछ जो भी हमने देखा था आया हुआ है कि नहीं। फाइनली सभी रिवॉर्ड्स गाइस जो मैंने कल शाम को आपको बताया था, रात को, वो सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल चुके हैं। तो यार एक मिनट, यहाँ पर होवर बोर्ड तो आ चुकी है फिक के अंदर भाई। ये तो यार हमारे साथ सरासर ना इंसाफी है, ये गलत बात है भाई। मैं होवर बोर्ड को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड था कि ये मुझे निकलने वाली है। देखो कोई बात नहीं, अभी भी चांस है, तुम्हारे भाई का लक एकदम ओपी हो सकता है। हुआ नहीं है पर हो सकता है, समझ रहे हो ना। अब बारी क्रेट ओपनिंग करने की। तो यार हर बार की तरह ना इतिहास कवा है यार, मतलब इधर का उधर हो जाएगा या फिर उधर का इधर, पर यार हम 10-10 क्रेट ओपन ही करेंगे चाहे कुछ क्यों ना हो जाए। वैसे देखो कुछ हो से पहले हम ओपन कर ही लेते हैं। अब यहाँ पर अरे भाई वापस से यार, तुम्हें पता है हमारी औकात बाहर है यूसी से, तुम काहे यूसी का ऑप्शन देते हो। मैं हटा दो, हमारी जगह से हटाई दो यूसी का ऑप्शन। इधर फ्री पे आते अपन, देखो एक साथ 10 लग, बताओ क्या लगता है यार। मुझे लग रहा है कुछ अच्छा ही निकलेगा, गारंटेड की बात कर रहा हूँ, बाकी तो कुछ नहीं निकलेगा ना। या फिर हो सकता है फर्स्ट क्रेट चंपूसा मुझे यहाँ पर कुछ हेडगेयर वगैरह दे दे हल्का पुल्का, और बस यही होगा। ओ भाई नेक्स्ट लेवल यार, वेट लोड बैकपैक अनएक्सपेक्टेडली भाई, शुरू में कोई गारंटेड नहीं है भाई। ये दूसरी होवर बोर्ड भाई नेक्स्ट लेवल यार, मतलब क्या ही हो रहा है मेरे साथ। ये भाई लग रहा है ग्रेड ओपनिंग बन सकती है आज एंड गारंटेड के अंदर। अरे भाई नहीं यार, मतलब कि हेलमेट भी, देखो लिटरली सही बोल रहा हूँ, इतना अजीब लग रहा है कि मतलब इतना कुछ कैसा निकल जा रहा है मुझे एक ही बारी में। वापस से चलो यार, देखो हमें मिल गई होवर बोर्ड। मेरे पास एक भी होवर बोर्ड नहीं थी, मैंने पिछले टाइम भी मिस कर दी थी, बट फाइनली अब मेरे पास आ गई है। आगे देखते हैं दूसरी बारी और करते हैं। देखो अब ना उम्मीद बढ़ रही है थोड़ी, हो सकता है कुछ और भी अगला मिले। तो गेस व्हाट अब क्या निकल सकता है। देखो आपने थंबनेल वगैरह देखा होगा तो थोड़ा तो गेस करो ना क्या हो सकता है आगे। अब यहाँ पर वापस से एक हेलमेट मिल जा रहा है, बिल्कुल एपिक में देखने को मिला। अब कुछ मिलेगा, ओके यहाँ पर देखो वापस से एक पेन का स्किन देखने को मिल जाता है एंड गारंटेड के अंदर। अरे भाई ये क्या बात हुई है, मतलब कि आप है ना पहले मुझे दे रहे हो फ्री में एंड उसके बाद गारंटेड के अंदर भी वही चीज पकड़ा दी। अरे नहीं यार ये तो मेरे साथ स्कैम हुआ भाई, रिपोर्ट करो अभी करो। ऐसा सुनना होता है यार, मतलब कि पहले तो जबरदस्ती कुछ तो भी लेजेंडरी निकल जा रहा मुश्किल से और वहाँ गारंटेड के अंदर भी वही देना है तुम्हें, ये तो गलत बात है यार, बुरा लग रहा है मुझे इस बात का। अभी तक यार हमारा पिछला रिकॉर्ड काफी मस्त रहा है, तो यार मेरे ख्याल से ना 10 क्रेट ओपन और कर ही लेते हैं। देखो कुछ अच्छा निकल ही चाहिए, अब निकलेगा नहीं निकलेगा वो डिपेंड तो बीच पे करता है ना, वो लुटेगा या हमें लुटवाएगा। ओके तो चलो देखते हैं, पहले पर होबोट का टाइम लिमिटेड स्किन, दूसरा यहाँ पर अरे भाई विद लूट आउटफिट, कसम से बोल रहा हूँ अब तक ना जितनी भी क्रेड ओपन की है कहीं नहीं मिला मेरे को भाई, एक भी मिथिक आइटम नहीं मिला पर यहाँ। अरे भाई कसम से बोल रहा हूँ आज की क्रेड ओपनिंग वन ऑफ द बेस्ट और लकीस्ट क्रेड ओपनिंग होने वाली है मेरी, मतलब हो चुकी है पहली बारी, सही बता रहा हूँ पहली बारी मेरे को ना मिथिक आइटम निकला है किसी क्रेड में ऑन द रिकॉर्ड रहा तुम्हारे भाई के जहाँ तक मुझे पता है। अब अच्छा सब कुछ गारंटेड दे ही दो, इतना कुछ दे रहे हो तो ओ वाह नाइस यार, मतलब विर्थ लॉट स्मोक ग्रेनेड सब कुछ मिल जा रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि लगे हाथों ना आज के दिन हम एक सूट के स्पिन भी कर ही लेते हैं, एक सूट निकल जाएगा अपने को। वैसे यहाँ पर इस मिथिक आउटफिट के साथ ना एक इमोट भी जरूर से मिला होगा, तो वो आगे देखते हैं। और अब यहाँ पर मुझे जरूर से बताओ आपको ये क्रेड ओपनिंग कैसी लगी, और मुझे रेट जरूर करना, मतलब 10 out of 10 मुझे देना कितनी अच्छी मेरी क्रेड ओपनिंग रही, 5, 6, 7 हो सकता है कोई 0 भी जरूर से दे देगा मुझे, क्योंकि किसी को नहीं भी अच्छी लग सकती भाई, क्या कर सकते हैं। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताना कि आपको क्लासिक क्रेड में क्या क्या निकला है। तो बस यार आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं जल्दी हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू गाइस। Teams, life ain't really what it seems. Try to find out what it means. Always do it.